नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं और हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो अयोध्या ज़िले से आए हुए हैं, आज बरनावा आश्रम यूपी के अंदर। पूछते हैं उनसे कि भाई क्या कारण है कि इतनी संख्या में यहां पर लोग आ रहे हैं जबकि गुरुजी भी यहां पर आज मौजूद नहीं है। जी बताइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम लोग अयोध्या ज़िले से 8 बस लेकर आए हैं और हम लोग गुरुजी में अपना मान रखते हैं और हम गुरु जी के चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे बीच आवें। आप बताइए, जो अभी कार्य चल रहे हैं यहाँ पर माना तो भलाई के, वो बदस्तूर जारी हैं अभी भी? क्या सभी कार्य चल रहे हैं? जी जी, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं और गांवों में भी ये कार्य होता है, जैसे पौधरोपण हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, आई डोनेशन हो गया, अभी अभी हाल ही में मेगा आई कैंप भी लगा था। तो आप देख सकते हैं वो कार्य कहीं ना कहीं हो रहे हैं लेकिन उतनी गति से नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं गुरुजी आ जाएं तो वो और स्पीड से वो कार्य हों। जी जी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर देखो गुरुजी अभी नहीं है, फिर भी उनकी श्रद्धा के चलते हुए, लोगों की श्रद्धा को लेकर चलते हुए, फिर भी यहाँ पर लोग इतना इकट्ठा हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब ऐसा क्या जादू किया है उन्होंने या ऐसी कौन सी शिक्षा है जो आपको खींचे चला आपको यहाँ पर आ जाते हैं सभी लोग, क्या कारण है? गुरु जी ने जो हमें शिक्षा दी है, जो गुरु मंत्रा दिया है, तो गुरु मंत्र को जब हम जाप करते हैं तो हमें अंदर से खुशी एहसास होती है, तो ऑटोमेटिक हमारा लगाव बढ़ जाता है। जी जी जी। और अगर सरकार से या फिर सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई आप अपील करना चाहें कि भाई गुरुजी के केस को लेकर के कुछ भी आप कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आप देख सकते हैं राजनीतिक जो भी मंत्रीगण हैं बहुत सारे इल्जामों में फंसे हुए हैं, फिर भी वो संसद में बैठे हुए हैं। हमारे गुरुजी 135 मानवता के भलाई के कार्य कर रहे हैं, फिर भी इस तरह से उनको जेल में रखा गया है। ये कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए राष्ट्रपति महोदय जी को और सबको। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।